बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही बातचीत करने के लिए। और चलिए बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां हिंदुत्व बीजेपी की बपौती नहीं है। कर्नाटक में शानदार जीत के बाद कांग्रेस पार्टी उत्साहित नजर आ रही है और अब छत्तीसगढ़ में भी मिशन 2023 के लिए कांग्रेस ने हिंदुत्व राग छेड़ दिया। रायपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने ये कहा कि हिंदुत्व भाजपा की बपौती नहीं है, क्योंकि हिंदुत्व की जो परिभाषा बीजेपी देना चाहती है असल में वो हिंदुत्व है ही नहीं। आचार्य प्रमोद कृष्णम का ये कहना है कि कांग्रेस हमेशा से हिंदुत्व के रास्ते पर थी। कांग्रेस महात्मा गांधी के अनुयायी और उनको हर सभा की शुरुआत रघुपति राघव राजा राम से होती थी। ये भी कहा कि महात्मा गांधी से बड़ा कोई हिंदू नहीं है। कांग्रेस का भी ये कहना है कि बीजेपी हिंदुत्व और धर्म के नाम पर सिर्फ राजनीति करती है। लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया, धर्म के नाम पर सत्ता हासिल करने के लिए अपना हिंदुत्व प्रस्तुत किया गया, जबकि कांग्रेस सर्वधर्म सद्भाव पर चलने वाली पार्टी है। देश को तोड़ना और धर्म के नाम पर विभाजन करना हिंदुत्व नहीं है। हिंदुत्व न हार्ड होता है न सॉफ्ट होता है, हिंदुत्व हिंदुत्व है। क्षमा का नाम हिंदुत्व है, दया का नाम हिंदुत्व है, करुणा का नाम हिंदुत्व है, प्रेम त्याग तपस्या बलिदान का नाम हिंदुत्व है। हिंदुत्व भाजपा की बपौती नहीं है। जिस हिंदुत्व की परिभाषा या हिंदुत्व की जो परिभाषा बीजेपी करना चाहती है वो हिंदुत्व नहीं है। कांग्रेस हमेशा से हिंदुत्व के रास्ते पे थी। और इसी विषय पर बातचीत करेंगे हमारे साथ पाठ्यपुस्तक निगम के चेयरमैन शैलेश नितिन त्रिवेदी जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है त्रिवेदी जी आपका INH 24/7 पर। और जिस तरह से बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है कांग्रेस पर कि वो एक हिंदुत्व के लिए हमेशा रोड़ा बनती रही है, हिंदुत्व की राह पर नहीं चलती है, विशेष समुदाय को लाभ पहुंचाने की कोशिश करती रही है, क्या लग रहा है कि अब आखिरकार ये जरूरत क्यों पड़ गई, हिंदुत्व की राह अपनाने की जरूरत क्यों पड़ गई? हिंदुत्व के राह अपनाने की जरूरत कांग्रेस को नहीं पड़ी है। आजादी की लड़ाई हमने लड़ी, महात्मा गांधी ने रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान कहा। जब महात्मा गांधी को गोड़से में गोली मारी तो महात्मा गांधी के मुंह से निकला हे राम। छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ का निर्माण कर रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। माता कौशल्या का मंदिर चनखुरी कितनी दूर है रायपुर से, 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर, लेकिन भाजपा 15 साल में चनखुरी नहीं पहुंच पाई थी। तो हमें आवश्यकता नहीं पड़ी है, ये हमारी आस्था है। छत्तीसगढ़ में जब धान नापते हैं किसान तो जब पहला काठा धान का डालते हैं तो कोई एक नहीं बोलता, राम बोलकर हम अपने धान की नपाई करते हैं। जब हम धान की रास सजाते हैं पैरा जला के तो उसमें राम लिखते हैं। राम कण कण में बसे हैं छत्तीसगढ़ में और हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी से हिंदू धर्म के बारे में कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ भाजपा के विधायक कृष्णमूर्ति बांधी जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है बांधी जी आपका INH 24/7 पर। और जिस तरह से हिंदुत्व बीजेपी की बपौती नहीं है ये कहना है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का। हमारे साथ शैलेश नितिन त्रिवेदी जी भी जुड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो शुरू से ही हमेशा राम की बात करते रहे हैं, महात्मा गांधी भी हमेशा रघुपति राघव राजा राम करते रहे, तो फिर क्या दिक्कत है बांधी जी? देखिए, जब हिंदू और आस्था दो बातें आती है, आस्था तो सबके लिए, हिंदुत्व एक बात है, इस राष्ट्र की संस्कृति और संस्कार है हिंदुत्व जो प्रेरणा देते प्राचीन काल से चली आई है। जो इसका संरक्षण करेगा, इस पर प्रश्न चिन्ह न लगाएगा, इसकी अस्तित्व को स्वीकार करेगा, धर्म और हिंदुत्व उसी के लिए होगा ना। और जो आदमी हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई प्रश्न लगाता है अस्तित्व पर प्रश्न का, तो ये हिंदुत्व उसके लिए कैसे हो सकता है? तो ये तो आज जो हिंदुत्व की बातचीत कर रहे हैं, जो आस्था की बात कर रहे हैं घड़ियाली आंसू बहाने के, वो केवल वोट के लिए कर रहे हैं। हम तो कहते हैं, इनको बधाई देते हैं, हिंदुत्व है इस देश की, इस राष्ट्र की एक पहचान है, उसको बनाए रखें। और अगर वोट के लिए करते हैं तो इस पर विचार करा जाए कि इनकी आस्था किस स्तर पे है, वोट तक के सीमित है कि वास्तव में, हम तो बधाई देंगे कि सही दिल से उसको स्वीकार करें और माने उसको।
दूसरा धान की बात करते हैं, ये नीतियां ऐसी लेकर आए हैं, मेरे तो चैलेंज करता हूं माननीय भूपेश बघेल जी को भी, आज 36 माननीय भूपेश बघेल जी सीला बीनने का काम किए हैं, आज कोई बच्चा सीला बीनने जाता है का खेत में जाता है उसको बता दे कारण। तो घड़ियाली आंसू है या क्या वाकई में दिल से आवाज उठ रही है कि हम हिंदुत्व हैं और महात्मा गांधी भी जिस तरह से हमेशा उनके अनुयायी रहे हैं, रघुपति राघव राजा राम कहते रहे, देखना होगा आने वाले समय में स्थितियां स्पष्ट जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही बातचीत करने के लिए। तो हिंदुत्व बीजेपी की बपौती नहीं है और देश को तोड़ना और धर्म के नाम पर विभाजन करना हिंदुत्व नहीं, ये सब कुछ कहा है कांग्रेस नेता ने। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।